परमाणु विद्युतता होते हैं क्या? परमाणु विद्युतता क्या उदासीन होते हैं? परमाणु विद्युत के क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युत के क्या होते हैं? उदासीन होते। परमाणु विद्युत के क्या होते हैं? उदासीन होते। परमाणु विद्युत के क्या होते हैं? उदासीन होते। परमाणु विद्युत के क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ओके, जबकि प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। जबकि इसका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का किसने किया था? मिलिकन ने खोज किया था। किसने खोजा था? मिलिकन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। किसने कहा था? मिलिकन ने कहा था। ओके, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है किसने बताया था? मिलिकन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने अभी बताए थे दोस्तों कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ओके, जबकि परमाणु के नाभिक होते किसने खोज किया था? रदरफोर्ड ने किया था। इसमें क्या क्या कौन कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं सेंटर पर। ओके, और न्यूट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर को सही दर्ज कराता है प्रोटॉन की संख्या। ओके, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। जेम्स चैडविक की खोज किसने किया था? क्या खोजा था? न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने खोजा था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने खोजा था। और ये क्या होता है? अस्थायी कण है जो चेंज होते रहता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। आ बोला था ये अस्थायी कण है। क्या है? अन ये फिक्स कण नहीं है, ठीक है, वाइब्रेट करते रहता है, वैरी करता है। ओके, तो न्यूट्रॉन आपका क्या है? जेम्स चैडविक ने खोजा था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। आप प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने खोजा था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। ओके, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों क्या होता है? एक ही न्यूक्लियस के बीच में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है? बहरी करते रहता है, ठीक है। किन कणों में कणीय तरंग की दो प्रकृति पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन का दो प्राकृतिक पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन में क्या पाया जाता है? दो प्रकृति पाया जाता है, ठीक है। कणीय तरंग की दो प्रकृति पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन का दो प्रकृति होता है। इलेक्ट्रॉन में कैसा प्रकृति होता है? दो प्रकृति होता है। इलेक्ट्रॉन का जो तरंग होता है दो प्रकृति का होता है। इलेक्ट्रॉन का जो तरंग होता है दो प्रकृति का होता है। इलेक्ट्रॉन का जो तरंग होता है दो प्रकृति का होता है। इलेक्ट्रॉन का जो तरंग होता है कितने प्रकृति का होता है? दो तरंग प्रकृति का होता है। इलेक्ट्रॉन का जो तरंग होता है कितने प्रकृति का होता है? दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉन का जो तरंग होता है द्वि प्रकृति का होता है। ओके, जबकि ये खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने खोजा था। ये दो द्वि प्रकृति की होती है। ओके, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ओके, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने खोजा था। और ये अस्थायी कण है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही जो न्यूक्लियस में होता है मौजूद होता है। पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? एंडरसन है। पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? एंडरसन है। पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? एंडरसन है। पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन नहीं। पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? एंडरसन है। पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? एंडरसन है। पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? एंडरसन है। पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? एंडरसन है। जबकि जेम्स चैडविक क्या न्यूट्रॉन की खोज किया था? जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया था? न्यूट्रॉन का खोज किया था। ओके, न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया था। रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था? प्रोटॉन की खोज किया था। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज है जबकि पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? परमाणु का नाभिक होता है किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने ही खोजा था।
परमाणु का नाभिक होता है ये किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने खोजा था। परमाणु का नाभिक होता किसने खोजा था? नाभिक होता है किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने। नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। जबकि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने खोजा था। ओके, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की और प्रोटॉन की खोज करता रदरफोर्ड। परमाणु का नाभिक होता है ये भी रदरफोर्ड ने ही बताया था। अल्फा कण का भी खोज यही रदरफोर्ड ने किया था। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण से जुड़ा हुआ है, तो बोस का नाम स्पेशल रूट कण से जुड़ा हुआ, ठीक है, रूट का जो पार्टिकल्स है रूट पार्टिकल से जुड़ा हुआ, स्पेशल रूट पार्टिकल जो होता है उससे जुड़ा हुआ बोस का नाम, रूट पार्टिकल्स होता है जिसका नाम स्पेशल जुड़ा हुआ है। न्यूट्रॉन को पता लगाने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? न्यूट्रॉन बोला है ना, तो जेम्स चैडविक हो जाएगा। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक है। ओके, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही न्यूक्लियस में होता है, ये किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। ओके, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता जेम्स चैडविक है, प्रोटॉन की खोजकर्ता रदरफोर्ड है, और दोनों ही बोला था कि ये कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। निम्न से किस प्रकार के परमाणु में एक प्रकार भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या एक भी नहीं है, जो जे जे थॉमसन ने खोजा था। न्यूट्रॉन की संख्या किसमें एक भी नहीं है? न्यूट्रॉन का, ना तो प्रोटॉन ना तो इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा हूँ, इसमें न्यूट्रॉन का है। न्यूट्रॉन इसमें एक भी नहीं है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता है। ये अस्थायी कण है, अस्थायी कण है ना। ओके, हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में क्या है? एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में क्या है? एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। ओके, हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाकी सब में होता है न्यूट्रॉन की संख्या।